इंसान हमेशा पछतावे में फोकस होके बैठता है और पछतावा आया क्यों, क्योंकि वो जब उसको फोकस होना था तब वो सेलिब्रेट कर रहा था। तो सचिन तेंदुलकर के क्रिकेट में सक्सेसफुल होने का बहुत बड़ा रीजन है बैलेंस। उसका सेंटर ऑफ मास नीचे की तरफ है और हर गेम में स्टेबिलिटी बहुत मैटर करती है और पढ़ाई में बहुत ज्यादा मैटर करती है कि आपका हेड कितना स्टेबल है, आपकी आईज कितने स्टेबल है और आपका कंसंट्रेशन कितना स्टेबल है, आपके थॉट्स कितने रुके हुए हैं। मतलब जब तक लेंस सारी किरणों को फोकस नहीं करता है तब तक कागज नहीं चलता है। तो अभी आपके पास में मौका है, जब परिणाम आएगा तो हो सकता है वो आपके लिए धोखा हो और आप महसूस करेंगे कि जिंदगी में आपको मौके बहुत कम मिले और धोखे हर साल मिले। तो तभी कहा जाता है कि दुनिया में इट इज 20% वर्बल लैंग्वेज, 80% इज बॉडी लैंग्वेज। ये बहुत बड़ा फैक्टर है, बहुत ही बड़ा फैक्टर है जीवन का, इससे बड़ा फैक्टर नहीं है। स्टेबिलिटी बोल सकते हो और लाइफ में इसको आप बैलेंस बोल सकते हो, लाइफ में और स्पोर्ट्स में। अब सचिन तेंदुलकर के क्रिकेट में सक्सेसफुल होने का बहुत बड़ा रीजन है बैलेंस, क्योंकि उसका सेंटर ऑफ मास नीचे की तरफ है तो ग्राउंड से कनेक्टेड होता है तो उसका बैलेंस हमेशा बेटर रहता है इन कंपेयर टू द दोज प्लेयर जिनकी हाइट ज़्यादा है। तो आपकी जेनेटिक्स बहुत मैटर करती है और हर गेम में स्टेबिलिटी बहुत मैटर करती है और पढ़ाई में बहुत ज़्यादा मैटर करती है कि आपका हेड कितना स्टेबल है, आपकी आईज कितनी स्टेबल है और आपका कंसंट्रेशन कितना स्टेबल है, आपके थॉट्स कितने रुके हुए हैं। भागते रहेंगे तो तुम्हारी ज़िंदगी 10,000 साल काट के भी कुछ नहीं उखाड़ सकते तुम, अगर तुम्हारे थॉट्स स्टेबल नहीं है, कॉन्सेंट्रेशन फोकस नहीं है तो कुछ नहीं कर सकते, 10,000 साल में भी कुछ नहीं कर पाओगे। और कॉन्सेंट्रेशन बनाने की प्रैक्टिस करने के लिए हम लोग पढ़ते हैं, स्कूल में हो चाहे यहाँ पर हो, दैट इज अल्टीमेट गोल। इंसान हमेशा पछतावे में फोकस्ड होके बैठता है और पछतावा आया क्यों, क्योंकि वो जब उसको फोकस होना था तब वो सेलिब्रेट कर रहा था। तो अभी आपके पास में मौका है, जब परिणाम आएगा तो हो सकता है वो आपके लिए धोखा हो और आप महसूस करेंगे कि जिंदगी में आपको मौके बहुत कम मिले, एक अभी मिला हुआ है और धोखे हर साल मिले, देख लेना हर साल मिलेंगे। ये भी एक मौका मिला हो बहुत बड़ा जिसकी तुम वैल्यू नहीं कर रहे हो, तुम व्लॉगर बने बैठे हो। दिस इज अ चांस फॉर यू। हमारी जिंदगी में जो हमारे हाथ में होता है ना, हम उसी की वैल्यू नहीं करते बस। और सचिन तेंदुलकर से यही बात आप एक सीख सकते हो, ही यूज टू टेल वन थिंग कि जिंदगी में अगर कोई चीज आपको आती हो, आप उसमें स्किल्ड हो, तो दोनों हाथों से उस चीज में जुट जाओ, मेहनत करो। लेकिन इंसान वो नहीं करता है। आपको मौका मिला हुआ है, घर वालों ने आपको चांस दिया है, पैसे दिए हैं, ढंग की जगह भेज दिया है, ढंग की जगह भेज दिया है और फिर भी तुम गंवार हो तो तुम हो। कुछ लोग बेचारे पैसे देने के बाद भी, मौका देने के बाद भी सही जगह नहीं पहुंच पाएंगे, जहाँ उनके पास वो लोग ही नहीं होंगे जो उनको सिखा पाए, तो उनका साल खराब हो जाएगा। तो हमारी बॉडी को भी स्टेबल रखना है और कॉन्सेंट्रेशन को भी, क्योंकि परिणाम वहीं से आना है, ये बहुत तय बात है। मतलब जब तक लेंस सारी किरणों को फोकस नहीं करता है तब तक कागज नहीं चलता है। वैसे आप चुप होके स्टेबल होके नहीं बैठोगे क्लास में तो आपकी पूरी एनर्जी इस काम में नहीं लग सकती। जैसे कई बार मैं आपको बताता हूँ, गेम्स की ट्रायल्स होती है, जैसे मान लो क्रिकेट की ट्रायल हो रही है, फुटबॉल की हो रही है, उसमें एक सेकंड में पता लग जाता है कि कौन सा बंदा आगे जाएगा कौन सा नहीं जाएगा। जो स्टेबल होगा, जिसका बैलेंस होगा, वो आगे बढ़ता ही जाएगा, जिसकी बॉडी अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन मूव कर रही है, और जो खुद हिल डुल रहा है तो उसका कुछ नहीं हो सकता, एक सेकंड में पता लग जाता है। तो क्लास में भी आपकी शक्ल देख के पता लग जाता है किसका सिलेक्शन होगा, बॉडी मूवमेंट से पता लग जाता है, बॉडी मूवमेंट से। और मैं आप में से हर एक को बता सकता हूँ कि कौन आगे जा रहा है और कौन जिंदगी में पीछे हट रहा है, पक्का बता सकता हूँ, गारंटेड, शक्ल पे लिखा हुआ है आप लोगों के। मुझे वो नोटिस बोर्ड पे जाके रिजल्ट चेक करने की जरूरत ही नहीं है, आपके बॉडी मूवमेंट बता देते हैं वो सब कुछ। एवरीथिंग इज एक्सप्लेन बाय द बॉडी लैंग्वेज, एवरीथिंग। तो तभी कहा जाता है कि दुनिया में इट इज 20% वर्बल लैंग्वेज, 80% इज बॉडी लैंग्वेज, एंड आई कैन मेक द डिफरेंस इन दिस। मैं आपको बताता हूँ कैसे दो चीज़ें डिफरेंस पैदा करती है बॉडी लैंग्वेज के थ्रू ही, वर्ड सेम रहेंगे, आई लव यू अलॉट, डिफरेंस पता चलेगा, शब्द वही थे
बॉडी लैंग्वेज जो है ना ये फोकस से आती है, ऐसे नहीं आ सकती। तुम लोग गंवारों की तरह हिलते डुलते रहोगे, कुछ नहीं होगा। और उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, इट्स ए प्योर प्रैक्टिस गेम, प्योर प्रैक्टिस गेम। तुमको अगर ये गलतफहमी है कि मेहनत सिर्फ अखाड़े में जाके होती है, हरियाणा वाले लोग अखाड़े में जाके मेहनत करते हैं और हमको कोई मेहनत नहीं करनी, तो भाई तुमको 10 गुना मेहनत करनी है उनके कंपैरिजन में, फोकस्ड होके करनी। फिर बॉडी इज मूविंग कंटिन्यूअसली, थॉट्स आर गोइंग समवेयर एल्स, वी विल रीच नो वेयर, दैट्स फॉर श्योर। क्योंकि थॉट्स आपको लेके जाएंगे वहां पर, आप कैब करके नहीं जा सकते डेस्टिनेशन पे। कि रैपिडो बुक कर लेते हैं, ओला तो लेट आएगी अभी, इट्स नॉट पॉसिबल, इट्स अ प्योर थॉट गेम।